हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। आज हम बना रहे हैं पंचामृत, जो कि जन्माष्टमी में या सत्यनारायण की कथा में या किसी भी पूजा में बनता ही बनता है। इसे पंचामृत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पांच चीजों से बना है, जैसे कि दूध, दही, शहद, घी और चीनी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बनाते हैं 5 मिनट में बनने वाला ये परफेक्ट पंचामृत। इसके लिए हमें चाहिए गाय का 1/2 किलो कच्चा दूध, 1/2 कप ताजा दही, 1/4 कप चीनी का पाउडर या बूरा, 4 से 5 तुलसी के पत्ते, 1/2 टीस्पून गाय का घी, 1/2 कप या 8 से 10 मखाने, 1 टेबलस्पून गंगाजल, 1 टेबलस्पून शहद और ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ 3 तरह के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे बादाम, किशमिश और चिरौंजी। तीनों 1-1 टेबलस्पून लेंगे। सबसे पहले हम एक बड़े से बोल में लेंगे गाय का कच्चा दूध, फिर उसमें हम डालेंगे गंगा जल और फिर हम डालेंगे घी। जैसे दूध गाय का है वैसे हम घी भी गाय का ही लेंगे। फिर हम डालेंगे शहद और फिर मिठास के लिए मैंने यहाँ बूरा डाला है, आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। फिर इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बूरा या चीनी का पाउडर बहुत जल्दी और आसानी से घुल जाता है। फिर हम इसमें डालेंगे किशमिश, बादाम के कटे हुए पीसेस, चिरौंजी। इन ड्राई फ्रूट से, खास करके चिरौंजी से, पंचामृत में बहुत अच्छा स्वाद आता है। इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे फ्रेश दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए और दही को हम बीट या विस्क करके नहीं डालेंगे, जमे हुए कंडीशन में ही डायरेक्टली डालेंगे। सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मखाने। मखाने हमने 1/2 पीसेस में काट लिए हैं पहले से। इसमें हम 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़ के डाल देंगे। तुलसी के पत्तों के बगैर पंचामृत बिल्कुल इनकम्प्लीट है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तुलसी के पत्तों का। देखिए, तैयार है एकदम परफेक्ट और स्वादिष्ट पंचामृत। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और इससे बनने वाला पंचामृत भी लाजवाब है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन हिट करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।